लगते हैं, तो जैसे गर्ल्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि जिस टाइम आपके पीरियड्स होते हैं तो या तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी तो आपकी पढ़ाई वेस्ट होगी, तो आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो और इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, यहाँ पर विद्यालय में जो है ये मशीन लगाई गई, इसको हम कहते हैं वेंडिंग मशीन। क्या कहते हैं? वेंडिंग मशीन का क्या काम है, ये हमें जो है और जो सैनिटरी पैड्स यूज किए रहते हैं पीरियड्स के दौरान वो उपलब्ध कराती है। अब इसको यूज कैसे करना, आपने आप जो है इस मशीन में जो है यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे, ठीक है। अब जब आपने बटन दबाया तो देखो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट वन इंसर्ट रुपीज 10। जैसे आपने इसको दबाया तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गई इंसर्ट रुपीज 10, मतलब आपने इसमें 10 रुपए का सिक्का डालना, सिर्फ सिक्के इसमें चलेंगे, नोट इसमें किसी ने नहीं डालना, नोट या किसी तरह का कागज नहीं डालना। आप 10 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं या 5 रुपए के दो सिक्के भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आवाज आएगी और आपने जिस पर है यहाँ पर 10 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, ये डाल दिया। अब जब आप सिक्का डाल देंगे तो यहाँ से आपको जो है ये पैन ये यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसको यूज कर लेते हैं उसके बाद इसको आपने कैसे डिस्पोज करना है, आपके टॉयलेट के पास एक और मशीन लगी है जिसको हम इंसिनेटर कहते हैं, उस इंसिनेटर में जो है एक बॉक्स बनाया है उसके अंदर आप इसको यूज करने के बाद डाल देंगे और उसमें हीटर है जो अपने आप उसको जलाकर उसकी राख बना देगा। अब इस ड्यूरिंग जो है आपको स्पेशल हाइजीन की खास जो है जरूरत होती है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं सफाई पर ध्यान नहीं देते और गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, कि जैसे आप बड़े होंगे तो कई तरह की बीमारियां जो है लग जाती हैं, तो हमें वो बीमारियां ना हो और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई में भी किस तरह का अवरोध पैदा ना हो, उसके लिए जो है हमें क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको यूज करना। ओके।